नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम आपको डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए ऐसी तीन चीजें बताने वाला हूँ जिससे आपकी शुगर का लेवल कंट्रोल तो रहेगा, साथ ही साथ आपके शरीर की दिनचर्या जो बिगड़ी हुई थी, चाहे वो शुगर हाई हो चाहे वो शुगर लो हो जाती हो, तो उसके चक्कर में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, बेचैनी, घबराहट, नींद कम आना, ये सब चीज़ें लगी रहती थी, तो इस तीन चीज़ों के खाने से आपकी ये सब प्रॉब्लम्स जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। दोस्तों रागी के आटा, दूसरा है मेथी का दाना और तीसरा एप्पल सिडार विनेगर। दोस्तों इन तीन चीज़ों को यूज करने से आपकी जो शुगर का लेवल है बिल्कुल सही हो जाएगा। आज हम इसी के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं ये क्यों खाएं और किससे आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएगी। इसलिए इन तीन चीज़ों का सेवन अनिवार्य है और आप अपनी दिनचर्या में इसको जरूर अपनाएं जिससे आपकी जो समस्या है बिल्कुल सही हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों आज हम आपको तीन चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपकी जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहेगी और उसका डाइट प्लान कैसे करना है जिससे आपकी शुगर का लेवल कंट्रोल रहे। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था रागी की रोटी, मतलब बाजरा और गेहूँ जो साबुत गेहूँ होते हैं उसको पीस कर बनाए गए रोटी को ही रागी की रोटी कहा जाता है। दोस्तों बाजरा और का जो आटा होता है बहुत ही बेनिफिट्स देता है जिससे आपके जो शरीर में कमजोरी होती है वो भी दूर करता है। दोस्तों रागी की रोटी में क्या होता है, प्रोटीन होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, ये तीन चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिट्स होती है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है जिससे आपकी शुगर लेवल है कंट्रोल रहती है, या कहले आपको एक्स्ट्रा भूख भी नहीं लगती जिसकी वजह से आप बार बार खाएंगे और आपका शुगर लेवल बढ़ता रहेगा। क्योंकि आप जानते ही हैं ज़्यादा से डॉक्टर्स आपको कहते हैं गेहूं का आटा, चावल और ये जो अपने नॉर्मल आलू होते हैं इनको खाने से आपका शुगर लेवल बढ़ता, तो इन चीज़ों में बदलाव करने के लिए आपको ये रागी की रोटी ज़रूर अपनाएं जिससे आपकी जो ये समस्याएं होती वो बिल्कुल सही हो जाएगी। दोस्तों क्या होता है, रागी की रोटी में फाइबर्स होता है जो कि आपके शरीर में फाइबर्स की मात्रा बढ़ेगी और जो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है वो उसको डिसॉल्व करना शुरू कर दे जिससे आपका शुगर का लेवल कंट्रोल में आने लगेगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है मेथी दाना। दोस्तों मेथी दाना पहले भी आयुर्वेदिक में भी या पहले नॉर्मल व्यक्ति भी इसको जानता है कि मेथी के दाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों मेथी के दाने को अगर आपको यूज करना है, कैसे यूज करना है उसके लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक चम्मच एक गिलास पानी में भिगा के या एक कप पानी में भिगा के रात भर रख देना, उसको सवेरे आपको खाली पेट खा लेना है और जो पानी बचता है वो भी आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मेथी के दाने के कुछ प्रॉपर्टीज़ गुण उसमें भी पहुंच जाते हैं। दोस्तों क्या होता है, मेथी के दाने जो होते हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, साथ ही साथ दोस्तों इसमें हाई सॉल्युबल फाइबर होता है जो कि आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, यानी कहने की शुगर के जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसको तोड़ने लगता है जिससे आपके शरीर में एक्स्ट्रा शुगर लेवल नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए आपको मेथी का दाना मान के चलिए 5 से 10 ग्राम आप डेली यूज़ कर सकते हैं सवेरे खाली पेट, पर दोस्तों ये डॉक्टर की निगरानी में ही करें या उनसे सलाह लेकर ही ये सब करें। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है एप्पल सिडार विनेगर, यानी सेब का सिरका। दोस्तों सेब का सिरका भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि आप जानते हैं कई लोग इसका वेट लॉस में भी यूज़ करते हैं, साथ ही साथ डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में इसका होता है। दोस्तों जब भी आप देखते हैं कि खाना खाने के बाद देखते होंगे कि आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, मतलब पोस्ट ब्लड शुगर जो भी बढ़ जाता है खाना खाने के बाद, पीपी जिसको बोलते हैं ब्लड शुगर। दोस्तों क्या होता है, जब भी आप खाना खा लेते हैं तो आपके अंदर शरीर में एक्स्ट्रा प्रोटीन पहुँच जाती है जिसकी वजह से जब वो चीज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब चीज़ें टूटती है तो आपके शरीर में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। जिसलिए आपको वेट लॉस यानी शुगर को लेवल को कंट्रोल करने के लिए एप्पल सिडार विनेगर यूज़ कर सकते हैं, परंतु दोस्तों इसको आप ज़्यादा मात्रा में ना ही यूज़ करें वही बढ़िया होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें एसिटिक एसिड होता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। परंतु अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं, आप आधा चम्मच एप्पल सिडार विनेगर और एक गिलास पानी में मिक्स करके उसको आप पीते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा और आपका वेट मैनेजमेंट भी बिल्कुल सही रहेगा।
दोस्तों आपको मैं एक और जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप रागी की रोटी का सेवन करते हैं तो इसको रात के समय ना लें, क्योंकि दोस्तों ये कभी कभी अगर आपके पाचन क्रिया कमजोर है, यानी कह लें डाइजेशन कमजोर है, तो आपको ये पचाने में दिक्कत है, तो इसलिए आप इसको सुबह के अपने खाने में यूज करें, ब्रेकफास्ट में, लंच में इसको आप यूज कर सकते हैं, रात के समय इसको ना लें। रात के समय रागी के अलावा जौ की आटा है, चने का आटा है, इसको मिक्स करके आप इसका यूज कर सकते हैं, प्योर गेहूं का आटा रात में ना खाएं। तो इन सब तीन चीज़ों से आपकी जो डायबिटीज है बिल्कुल कंट्रोल रहेगी, और साथ ही साथ दोस्तों आपका जो खाने का तरीका है वो भी मैंने बताया है, वो आप यूज करते रहिए, जिससे आपकी जो शुगर का लेवल है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इन सब चीज़ों का प्लान करते हैं और आप रेगुलर करते रहे, तो आपका जो शुगर लेवल है बिल्कुल सही रहेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बाकी अगर आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है तो आप दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने डॉक्टर्स, पर्सनल डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे वीडियो होते हैं वो आप तक पहुँचते रहेंगे। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।